फोर्ट चौधरी सफर अनवर की देना पिटी की मार चोली तकी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर तब्दीली आ रही है। डिमांड रखनी है अपने स्कूलों ने बारे रखो, तालीम ने बारे च रखो, ताकि तुमने बच्चों का मुस्तकबल कल बेहतर रहे। लाख जिस दफा पीटीआई वाजिया पोजीशन की सी और अच्छी लीड ना लगे जासी। चक रयाम ब्रिज के नीचे से साथ साथ इस्लामगढ़, कनेली, फैजपुर, चकसवारी और पनियाम तक एक नई रोड बनवाएंगे। मंगला डैम के साथ साथ जैसे बंद बनाया जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आड़े पेना भ्राओ संगीत बुजुर्गो, उम्मीद करना सो सारे हैरो ऑफियत रहा सो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान चो सो। नुमान मुगला जी एक नई वीडियो नाल फिर सो हिम्मत हाजिर है और सुन तक करियो यूट्यूब चैनल नुमान मुगला ऑफिशियल। जी बिल्कुल, जैसा कि तुम्हें पता कि 25 जुलाई आज़ाद कश्मीर च इलेक्शन हो रहे हैं, ते जिहड़ियां जमातां ने वो मीटिंग वगैरह करनी है, जलसे वगैरह करी रहे हैं। ते असां ने प्लाक ने अंदर कानून साज असैम्बली उम्मीदवार जफर अनवर साहब इतने तशरीफ लाई रहे हैं। इतने प्लाक जिहड़ी ना डिस्पेंसरी कोल इतने जिहड़ा ना नवा दफ्तर बनया, इस अफ्तताह कर सन पहले, उस तो बाद जिहड़ा जा सन प्लाक अड्डे पर, उत्थे जिहड़ा ना चौधरी जावेद साहब ने घर मीटिंग कर सन। इंशाल्लाह सारी जिहड़ा ना कवरेज कर सन और सिचुएशन चेक कर सकें, सूरत हाल है असां नाल ना रहे वीडियो की जिहड़ा ना मुकम्मल तक। जज़ाकअल्लाह। जी बिल्कुल है, जैसा कि तुम देखी सकते हो कि पलाकड़ियाँ जी अल मशहूर शख्सियत वो भी इस तरह मौजूद हैं सुने सामने, और इन्होंने को इन्होंने भी गलबात करने 25 जुलाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो तुमने सर क्या प्रोग्राम है कि इतों पलाक जो जो पीटीआई जीती जा सी? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने फजलो करम ना, जे अल्लाह मंजूर होया तो पीटीआई इंशाल्लाह विन कर सी जी। इंशाल्लाह तुमने क्या पैगाम है कि पीटीआई जो इतों जो पोलिंग है इतना जीती जा सी? इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म होया तो जे असि कुछ सोच हुई तो अस वोट अपनी सही जगह पर दे सा, और जिस तरह अस तकी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर तब्दीली आ रही है, है जी। एक सोचो तो कोई एक कार की चलाना कितना मुश्किल है, तो असिया इमरान खान जो है ना सा दिहाड़ी सारे काम करी गए, तो ये नामुमकिन है। हर चीज़ की टाइम लगना, और इमरान खान की असा मौका देना चाहिए, और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर भी पीटीआई इंशाल्लाह जीत कर रहेगी इंशाल्लाह जी। तो यह दसो कि जो दफ्तर ना जो अफ्तताह इसने बनाने का मकसद क्या है? हूँ दफ्तर अफ्तताह जफर अनवर साहब तशरीफ लाई रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जफर अनवर साहब आई रहे हूँ, इसने अफ्तताह कर सा थोड़ी देर तक, ठीक है। इसका मकसद ये है कि अस अपनी एक पावरिंग शो करना चाहते हैं पलाक ने अंदर, ठीक है, ठीक है। उस तो अलावा पलाक ना पोलिंग स्टेशन भी अस इंशाल्लाह जुती दसा, और पूरा हल्का भी असा, ठीक है। पीटीआई ने हक में आवाज़ उठा सी 5 जुलाई की, ठीक है जी। और उस अलावा आवाम की मैसेज है कि आवाम हर वक्त एक सवाल पूछनी है कि तब्दीली कुत है, तब्दीली कुत है, तब्दीली हकीकी हूँ तुसकी नज़र ऐसी जिला अपने हल्के असंकी वो तब्दीली नहीं नज़र रखनी जी लाहौर में हो रही है या खैबर पख्तूनख्वा हो रही है। जल्द असने अपने आबाई हल्के तब्दीली चेंज हो सी तुसकी खुद ब खुद नज़र रखना शुरू हो गया सी। और सब तो जरूरी जी चीज़ है असा लोगों की पैगाम में देना चाहना कि लोग जो नालियाँ सड़कों के बारे डिमांड रखने ने बिल्कुल ना रखो, डिमांड रखनी है अपने स्कूलों ने बारे रखो, तालीम ने बारे च रखो, ताकि तुसने बच्चों का मुस्तकबल कल बेहतर है। जैसे तुसा तको कि असने पलाक ने स्कूलों की हालत जरके है, असने बच्चे उतने गरीबों ने बच्चे पढ़ने अंबीर ने तो ठीक है चकसवारी लाए जाने कोई फर्क नहीं,
मैं इंशाल्लाह पीटीआई जुत्सी जफर अनवर साहब एमएलए बन सन इस हल्के ने और उन्होंने सब तो पहली डिमांड यह करसा कि तालीम पर तवज्जो दो प्लाक ने अंदर तालीम का निज़ाम बेहतर बेहतरीन करो ताकि लोगों की तालीम इतने प्लाक ने अंदर लवे जबकि चक सवारी या डडियाल जाने की जरूरत ना उन्होंने पे। हाँ जी बिल्कुल असन और एक प्लाक ने जानी मानी शख्सियत जुबैर साहब असना मौजूद हैं तो जुबैर साहब से दसो कि जरा 25 जुलाई इलेक्शन हो रहे हैं तो असने क्या प्रोग्राम है प्लाक जो पीटीआई जीती जैसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्लाक जिस दफा पीटीआई वाजिया पोजीशन किसी और अच्छी लीड ना लगे जासी पहले तो सी कि जी सारे शायद तवक्को करी रहे कि जी पीटीआई जितनी पहली पोजीशन है सी उतनी है लेकिन उन्होंने शायद अंदाजा नहीं है इस टाइम तक कि कितने लोग पीटीआई अपनी मर्जी शामिल हो रहे हैं। जबरदस्ती नहीं है सारी जमात की खूबी है वो एक कोई किसी जबरदस्ती नहीं करी रहा जस असा एक अपने मंशूर है जो अपने मोटो है असं बयान करने हैं कि जी ए पीटीआई की खूबियां जैसे अरुण साहब पहले गल की जी कि लोगों ने तब्दीली उठे मैं उसे एक आसान मिसाल दें कि अगर असं कणक भी रहने ना बेलेज भी रहने मैंने तुम्हें कौन करना है लेकिन कम अज़ कम उसकी भी 6 महीने चाहिए वो अपना एक टाइम प्रोसेस पूरा होना है उस तो बाद ही असं उसका फल मिलना है और फल ना वेट करने वास्ते पहले थोड़ी जी मदद करनी पैनी है बी जमीन अंदर सटना पैना है वो तुम अगर ये तवक्को करो जी असं कुछ भी ना करो खुद ब खुद तब्दीली सड़क को लाई जाए इसका सिस्टम चेंज हो जाए मुमकिन नहीं है इसने अंदर हर बंदे की अपना किरदार अदा करना पे सी और उस किरदार ने बुनियाद समझो ये है कि 25 जुलाई की तुम जदों बल्ले पर वोट बसो वाजे अक्सरीयत जितासो तो फिर तुम अच्छे नहीं उम्मीद रखी सकने और अगर दोबारा तुम आजमाए हुए बंदे उन्होंने वोट पाई तो फिर तवक्को करो और जी इमरान खान कुछ नहीं किया जी जफर अमर कुछ नहीं किया तो जिसकी तुम वोट दिते तो उसका सवाल उन्होंने को बनना है तो अगर उन्होंने को सवाल ना करी दे तो इसका मतलब है जी कि तुम अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसकी तुम वोट दिता उसने क्वेश्चन करो तुम किसने वोट दिता है तो इस बेस पर दिता जी कि तुम बेहतरी आनो तुम बेहतरी नहीं आती और दूसरी कोई चीज़ कि तब्दीली अगर जमात क्रैम करी दी नून लीग होगी पीपल्स पार्टी होगी पीपल्स पार्टी स्पेशली पिछले 40 साल तो मतवातरी हल्के अंदर हुकूमत करी रही है जी बिल्कुल और साढ़े प्लाक ने मिसाइल या इस हल्के ने मिसाइल निकल करा कर वो जू ने तू बिल्कुल बेबुसत रही यानी कि किसी भी गवर्नमेंट इदारे से कि अज तक स्टाफ पूरा नहीं हो सकता चाहे वो स्कूल हैं चाहे वो अस्पताल हैं चाहे डिस्पेंसरी छोटे लैवल पर भी है अगर और ना ही उसने अंदर इक्विपमेंट पूरा हो सकता है तो ये बुनियादी जरूरत नहीं कि पानी दूसरी गल पानी करी कहने कि पानी जिंदगी नहीं बुनियादी चीज़ है जिसमें जिंदगी कायम है और अज तक पूरे हल्के अंदर वो ही मसले हल नहीं हो सके यानी कि 40 साल अंदर पानी ना पहुँचाई सके आवाम की मंगला डैम ने किनारे फ्री देवी जिसे पानी पापर मकदार मौजूद है तो फिर असं इस तू ज़्यादा इस हुकूमत की या इस पार्टी की कितना आजमासा लिहाजा मैं सारे दोस्तों की या तकने लें कि दावत देसा कि तुसा हूँ जितने कि आजमाई चुके हो दोबारा उन्हें इन्ना आजमाओ और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हथा भी दो और अगर उस पीटीआई की वोट देने तो इंशाल्लाह उसने बच्चे ना मुझा मुस्तकबिल है और बिल्कुल महफूज उसी असं भी जानी पूछी था असं की कोई कुछ फोर्स नहीं किया कोई प्रेशर नहीं है कि उसमें पीटीआई की वोट दो ना कोई बरादरी ना कोई तलकदारी ना मलदारी ना लेकिन सिर्फ अपनी सोच और अपने विजन या इमरान खान ने विजन या सब ने जो एक पर्सनैलिटी है उसकी तक की असं पीटीआई की सपोर्ट करी रहे हैं और उम्मीद कर सकते तो सामने की सपोर्ट कर सकते थैंक यू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس تقریب کے میزبانان جاوید صاحب اور صدر تقریب اسرار صاحب اور ان کے ساتھ ناصر صاحب اس کے علاوہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی ساری مرکزی قیادت سے ہلکے سے تعلق رکھتی ہے ساتھ ساتھ میں اوورسیز جو اس بلاک کے ایریے سے خاص کر نواز صاحب کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا اور ان کے ساتھ دیگر تمام لوگ جو آج پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے دوستو بزرگو یہ جیسا کہ اسرار صاحب نے کہا کسی اور دوست نے بھی کہا کہ بلاک پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہمارا بلاک سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور آخری پولنگ اسٹیشن 135 جو ہے ٹیلی مستم خالد آباد میں جا کے اینڈ ہوتے ہیں ایک بات کی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خالد آباد پی ٹی آئی کم از کم جو رنر اپ ہوگا اسے 1000 کی لیڈ پہ ہوگی پی ٹی آئی اب بلاک والوں میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں سے اس حلقے کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ یہاں سے ہمیں تبری لیتے ہیں مسائل کی بات کی گئی ایک ایک مسئلے سے اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی آگاہ میں جس جگہ پہ پانی سے سٹارٹ کروں گا آپ حیران ہوں گے کہ بلاک کے اندر پانی کا مسئلہ بغور کے اندر عیسر کے اندر چکسواری کے اندر اسلام گڑھ میں مختلف ڈنگالیاں ہو گئی اس کے بعد کراس میں تین جگہوں کے اوپر اور خالق آباد کے اندر بھی پانی کا مسئلہ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بجٹ چودھری عبد المجید صاحب کو ملتا رہا وہ لگتا کہاں گیا بنیادی ترین ضرورت ہے پانی بات یہ ہے کوئی غرض نہیں تھی کو آپ کے ساتھ یہ جتنی سکیمیں ہیں یہ 10 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہے پورے حلقے کی گورنمنٹ کے لیے یہ 10 کروڑ کوئی مانے نہیں رکھتا لیکن اصل بات یہ ہے آپ کے ساتھ قرض نہیں تھی آپ کو ترسانا مقصود تھا آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا مقصود تھا تاکہ وہ آپ کو پھنسائے رکھیں اسی چیزوں میں اور آپ ان سے سوال نہ کر سکیں کہ ہمارے بچوں کا معیار تعلیم جو اسکول دے رہے ہیں اس کے متعلق آپ سوال نہ کر سکیں آپ ان سے سوال نہ کر سکیں کہ یہ جو صحت کے مراکز اس حلقے کے اندر ہیں وہ بنیادی صحت کی ضروریات کیوں نہیں پوری کر رہے وہ تاکہ آپ ان سے سوال نہ کر سکیں کہ ان کے بچوں کی نوکریوں کے آپ نے کیا کیا انہوں نے آپ کو یرغمال بنائے رکھا پانی میں اور اس کے ساتھ بجلی کا ذکر بھی کروں گا پورے حلقے کے اندر میرا خیال ہے 161 ٹرانسفارمرز ہیں جس میں 25 KVA سے لے کے 200 KVA تک مالیت اس کی بھی 10-12 کروڑ سے سب سے زائد نہیں بنتی کیا وجہ گرمیوں میں مزاح بن جاتا فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر اڑ گیا فلاں کا اڑ گیا لوگ پیسے دیتے ہیں یہ محکمہ کس مرض کی دعا ہے یہ قانون نام سے پیسے نہیں لے سکتے لیکن عجیب تماشا مچا ہوا ہے محکمہ کوائلوں کے پیسے دے رہا ہے آئل کے پیسے دے رہے اور ساتھ اور پیسے بھی دے رہے اتنا آسان حل تھا اس کا کہ اس حلقے کے اندر 5-7-10 اضافی ٹرانسفارمر رکھ لیے جاتے موبائل ٹرانسفارمر جہاں پہ ٹرانسفارمر ہوتا گھنٹے کے اندر وہاں پہ بجلی چلا دی جاتی اور بعد میں ریپیئرنگ کے سلسلہ چلتا رہتا لیکن بات وہی آتی ہے ان کو آپ کے لوگوں کے مسائل سے کوئی غرض نہیں عبد المجید صاحب کو اس وقت جس وقت وہ بام عروج میں تھے اقتدار کے وزیر اعظم تھے اس وقت چیلنج کیا
और ये 7 साल मेरा ज़ाती सफ़र, सियासी सफ़र बड़ी तकलीफ दे और बड़े कठिन मराहल से ज़ाती तौर पर गुजरा, लेकिन एक चैलेंज लिया था और देखिए आज मेरे रब्बुल इज़्ज़त का करम कि आज चौधरी अब्दुल मजीद सर इलेक्शन से पाक है। और आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल कि उन्होंने अपने चंद करीबी साथियों को पहले बुलवाया और उन्हें कहा कि मैं इलेक्शन हारने के लिए नहीं लड़ूंगा। फिर जो व्हील चेयर का ड्रामा उन्होंने किया अपनी मरकजी क्यादत को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं इस मेरी सेहत ही नहीं है मैं इलेक्शन लड़ सकूँ, फिर बेटे को टिकट दिलवाया और उसके बाद आज पूरे हल्के में चौधरी अब्दुल मजीद साहब घूम रहे हैं। अब सिर्फ ठीक हो गई, वो अपने बेटे को लॉन्च करना उनका मकसद था। पीपल्स पार्टी में किसी और शख्स को स्पेस ना देना उनका मकसद था। और बेटों की लॉन्चिंग में भी आप देखिए कि उनके लीडर नाम निहाद लीडर बिलावल सवार हैं और वहाँ पर दो तकरीरें हो रही हैं, एक बड़े बेटे की और एक छोटे बेटे की। क्यों? क्या पीपल्स पार्टी में और कोई लीडर नहीं था इस हल्के के लिए? क्या लोगों ने 40 साल आपको वोट नहीं दिए? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने इस आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ, आपने इनको पेड़ बकरी समझा हुआ, जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे हान के ले जाएंगे। नौजवानों आपसे गुजारिश करूँगा, इस वजह से आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे कायद इमरान खान ने नौजवानों के ऊपर तकिया किया, उस माफिया को चैलेंज किया जो 70 साल से इस मुल्क को लूट के खा रहा है। आपसे गुजारिश करूंगा आपने बदलना है इस मुल्क, आए 10 बाजू बने पीटीआई के, आपसे वादा करता हूँ ये तमाम मसाइल बहुत जल्दी आप हल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कोई मेरी सड़कें बम तहसील बनाए, 2 हॉस्पिटल डिमांड किए, एक चकसवारी के अंदर एक इस्लामगढ़ के अंदर, एक टेक्निकल कॉलेज की डिमांड की, एक सुई गैस की डिमांड की, इस पूरे हल्के को सुई गैस दी जाए। मुतासरीन मंगला डैम के तमाम मसाइल चाहे वो उनकी आबादकारी के लिहाज से न्यू सिटीज़ जो बनी हुई हैं उनके अंदर के मसाइल हैं, वो जैली कुंभा जात वाला इशू बहुत बड़ा है, वो इसके अलावा जिस किस्म का भी वहाँ पे मसला है उसके हल के लिए भी हमने डिमांड की। चक्रयाम ब्रिज की फौरी काम को शुरू करने की हमने डिमांड की और एक इंतहाई बड़ा मनसूबा एक इजाफी रोड, डाइक रोड समझ लें, टूरिज्म कॉरिडोर समझ लें, चक्रयाम ब्रिज के नीचे से साथ साथ इस्लामगढ़ कनेली फैजपुर चकसवारी और पनयाम तक एक नई रोड बनवाएंगे मंगला डैम के साथ साथ जैसे बंद बनाया जाता है। क्यों 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 उसके पीछे 2 रीजंस थे। एक रीज़न ये था कि सी पैक की ट्रिपल एम रोड जो है मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला ये सियाख से दाखिल होगी अरनो, जो सबसे बड़ा ब्रिज है 4 किलोमीटर का, वो सियाख से अरनो आ गया, अरनो से बोथी जाएगा, बोथी से आगे ये मंगला, मंगला से ये एक जो नया इंडस्ट्रियल जोन सी पैक के तहत बन रहा है लैडी वर एरिए में उसको जाकर टच करेगा और वहाँ से एक रानी की मेल होती थी जेल में वहाँ पर जाकर टच करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम अगर जैसे मीरपुर में पीसी जिस जगह पर बना हुआ उसके साथ साथ जो बंद रोड बनी हुई है चकसवारी एक हल्का बात आने तक, इसी तरह से रोड हम इस्लामगढ़ ब्रिज के बाद इस सारे एरिए में हरनों तक रोड दें। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, वज़ीर मुल्क कश्मीर ने हमारा ये मुतालबा भी तस्लीम कर दिया। क्यों? सी पैक की जब रोड बननी है तो उसके साथ हमने ये एक नई रोड उसको उसके साथ इंटरचेंज देना है,
आप यहाँ से मुजफ्फराबाद 1.5 घंटे में जा सकते हैं। उसके दौरान बड़ी पीसफुल लाइफ गुजारा था, बड़ी लक्ष्मी लाइफ गुजारा था, और आज एक एक गली में फिर रहा हूँ, एक एक ढोक जा रहा हूँ, हर गांव जा रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, ना जात का पता है, ना फैमिली का पता है, ना कारोबार का पता है, अपनी लाइफ आप लोगों के लिए वक्फ करता हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है, मैंने मेरी इस टीम जो पीछे बैठे बैठे हमने अपना रोल प्ले कर दिया है, हमने चौधरी अब्दुल मजीद साहब को इलेक्शन से फरार होने पे मजबूर कर दिया, ये वो पहली चीज थी जो शिकस्त मान ली। अब उन्होंने अपने बेटे की लॉन्चिंग जो है वो जिस राष्ट्रीय सियासत को चैलेंज करके आए हुए थे उसी के दावेदार इस वक्त बन रहे हैं, दाई भाई बने उसके वो। अब आप लोगों का फर्ज है, हमने अपना काम कर दिया, जैसा कि इमरान खान ने पहला इलेक्शन लड़ा था वो खुद हार गया था, दूसरे इलेक्शन में उसको एक सीट या दो सीटें मिली थी, और 2013 में उसको उसने शरीफ बंदे खड़े किए, लायक लोग खड़े किए, लेकिन उसको फिर भी अक्सरियत न मिल सकी 2013 में। आखिरकार उससे मजबूर होना पड़ा कि वो इलेक्टेबल्स के ऊपर इन्हसास करे, और आज उसकी सादा अक्सरियत भी नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया जहां से वो लड़ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, आप क्या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन नौसरबाजों को एक और मौका देंगे? क्या जो आप यहाँ पे डाइस के ऊपर अपनी तकरीरों में यह कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, क्या ये चीज अगले 5-10 साल दोहराना चाहेंगे? उनको आपने आजमा लिया, एक दफा नहीं 7 दफा मेंबर असेंबली बने चौधरी अब्दुल मजीद साहब, बार बार आपने आजमाया है, तो फिर अगर अब भी आजमाने जा रहे हैं तो फिर वो कॉल क्या है कि मोहम्मद एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता, फिर हमें अपने गरीबान के अंदर जाग जा। मैंने जाती तौर पर जिस मुमकिन हद तक था लड़ाई में लड़ ली, 10 दिन के बाद क्या रिजल्ट होगा ये अल्लाह की ज़ात जानती है, मुझे नहीं पता, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अब आप अपना हिस्सा डाल। हमारे कायद उम्मत मुसलमान के अंदर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो नंबर वन लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, जो अपने आप को सफीर कश्मीर भी कहता है। 18 तारीख को वो मीरपुर आ रहा है फाइनल जलसे के लिए, आपसे गुजारिश है यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं एक बंदा ना बताए, इमरान खान को बताएँ, इस हल्के की दीगर पार्टी को बताएँ कि ये हल्का पीटीआई है।